Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. उसे क्या भय है संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। हे मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे शिव शंभु शंकर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। यदि मैंने आपकी भक्ति पूरे तन मन धन से की है, यदि मेरी भक्ति आपके लिए पावन और पवित्र है, यदि मैंने पूरी निष्ठा से आपकी भक्ति की है, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो प्रभु आज अपनी कृपा में कोई कमी मत छोड़ना। आइए प्रभु, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उनके जीवन उनके प्राणों को लौटाने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। माँ, हमें हुआ क्या था? हाँ, हम कैसे मूर्छित हो गए थे माँ? जो हुआ सो हुआ, पर पुत्र तुम सब मेरे पास लौट आए। देखा देखा पुत्रों, मेरे प्रभु महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। घोर आश्चर्य, मृत्यु के मुख से लौट आए हैं सब। यह सब ऊपर वाले का चमत्कार है। देखा आप लोगों ने, मैंने ही कहता था कि मेरे भोले बाबा, मेरी भक्ति की शक्ति। देखो ये मेरे बच्चे, इनके प्राण पक्ष दिए, मेरे भोलेनाथ ने इनके प्राण पक्ष दिए। कि अपने और अपने पुत्रों के विनाश की ओर बढ़ रहा है। ये क्या हुआ? पिताश्री ने कहा था वो इसकी सहायता नहीं करेंगे, फिर अब इनका बचाव कैसे हो रहा है? ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नहीं, ये अपमान फिर एक बार, ये उचित नहीं, मुझे ये कदापि स्वीकार नहीं। तो फिर मेरे और मेरे नागों का अपमान कर आगे बढ़ने में सफल हो गया। आप देखती रह जाएंगी देखी देखी, किंतु मेरे महादेव की कृपा से इन नागों के बाधा को भी बहुत सरलता से पार कर जाऊंगा। हर हर महादेव। देखा देवी, महादेव स्वयं विवश हैं मेरे जैसे भक्त की पुकार सुनने को, मेरी सहायता करने को। पिताश्री को यदि यही करना था, उन्होंने मुझे वचन क्यों दिया? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।